अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, इधर हम बना रहे थे फ़िश, और फ़िश को तो खैर मसाला वसाला लगा के रख दिया था। उस वक्त मैंने क्लिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया, या यूँ समझो रिकॉर्ड कर नहीं पाई। तो बस जी, अभी जो है ना, हम फ़िश के साथ बना रहे थे चटनी, और उसके लिए सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। धनिया पुदीना है, हरी मिर्ची है, इमली है, उसके बाद नमक है, चीनी है, चाट मसाला है। अच्छा जी, ज़ीरा भी है, चाट मसाला, कुटी, लाल मिर्ची, ये सारी चीज़ें। तो बस जी, चटनी बनाते हैं, साथ में मज़े मज़े की बातें करते हैं। क्या आ जाओ जल्दी से मैदान में जमा लो। करना है? बनानी है मज़ेदार सी इमली की चटनी। वो तो मैंने बता दिया पहले ही। आप मेरे से पहले होशियारियाँ कर लिया करो, सारी चीज़ें बता दिया करो। आपका चैनल है, इसको मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी चलाते रहोगे। तो मैं, ज़ाहिर बात है, मेरा चैनल है तो मैं अपनी मर्ज़ी तो चलाऊंगी ना, ऐसा तो होगा। नहीं ना, बीच में मेरी मर्जी भी चलेगी ना। इसको ब्लेंड करो तो वो क्या कहते हैं, बना लिया तो अब इसको पकाना है। चूल्हा ज्यादा गर्म कर दिया है। ये है चीनी, नमक, मिर्च और वो यार मैंने चाट बता मसाला। दिया है, तुम 40 40 दफ़ा तुम बता देती हो। यार क्या हो गया, मैं बना रही हूँ तो मैं भी बता दूंगी तो क्या हो जाएगा। नहीं, आपको वो याद गिलास तो दिलाना, हटा दो उधर से, इतना बुरा लग रहा है। इतना प्यारा लग रहा है शटील का गिलास। ये देखें फ्रेंड्स, मेरा शटील का गिलास। मेरा एडा वडा मग्गा रखे हुआ है, किलो दा। पानी पीने के लिए रखा है, बंदा भूल जाता है पानी पीना। वैसे मैंने ये असल में जो है ना कोल्ड ड्रिंक के लिए रखा हुआ है। देखा, असल बात निकल के आ गई है। ये नहीं, होता है पर्दे के पीछे की असल स्टोरी जो होती है ना, वो ये होती है। ये आपको थंबनेल पानी, मिल गए हैं, पर्दे के पीछे की असल स्टोरी। ओहो, हाँ, चिल्लाती है, बहुत उस्ताद हो रही वो हो। गिलास पानी का बोल के तो कोल्ड ड्रिंक के लिए रखा हुआ है, ताकि उसे चंगी ढेर से बरकती आवे। तकरीबन आधा तकरीबन भी किलो 4 गिलास इसमें आ जाते होंगे आराम से। नहीं, 1.5 लीटर वाली बोतल में से आधा लीटर आता है इसमें। आधा लीटर आ जाता है ना, हाँ, माशाल्लाह। आराम से। अरे बस अगली दफा मैं भी इसी तरह का 1 गिलास साथ लेकर आऊंगी। आपका पड़ा हुआ कमरे में वो 1 लीटर वाला वो है। तुम्हारे भाई का है, वो जड़ा 1 लीटर वाला ना, वो तेरा भराद है, मेरा नहीं है। मत्ता मैन बदनाम तू कार पे, मैं तू आधा लीटर पी नहीं, मैं लीटर पी मैं नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, चीनी डालने के बजाय ना इसके अंदर गुड़ डाल देते हैं, उससे ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। हाँ, गुड़ से अच्छा आएगा। नहीं, नमक तो चढ़ना पागल नहीं है, है। अगर किरशा वो फट गई तो फट सी दो दे जो बड़ा फट। वैसी नहीं, मैंने एक दफा चाय बनाई थी उसमें गुड़ डाला था, मेरी चाय फट चाय गई के थी। अंदर फटती है क्योंकि उसके अंदर दूध होता है। इमली के अंदर, इमली की चटनी के अंदर गुड़ ही तो डालते हैं। चीनी वाला तो तुम लोगों ने आर्टिफिशियल काम किया। हाँ, आप इमली की चटनियां बना बना के सेल करते हो। मैंने वो हाफ टी स्पून डाला। की है तो ये बहुत ज्यादा जो है ना मिर्ची हो गई है। बहुत ज्यादा मिर्ची हो गई है, अब भी हम इसको मीठा कर देते हैं। सबर करो, इसके अंदर नमक की भी कमी थी। चलें इसको अभी और पका के फिर आपसे को दिखाते हैं। फिर चेक करके दिखाते हैं कि अब किसी और चीज की लोड़ थोड़ तो नहीं है बीच में। देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी हो रही है। कितनी घाटी रखनी है बाबा पिछले को आधे बता। घंटे तो तू ही आज पे भाई गाड़ी होंगी भाई, हालत ही नहीं हुई। यार मुझे तो ज्यादा गाड़ी चाहिए, आपको पतली गाड़ी नहीं, चाहिए। पतली नहीं, गाड़ी चाहिए सानू। आपने मुझे अभी ऑफ ऑन तो इंडिया बस क्या बोला था? जब थोड़े बंदों ने खानी है तो फिर गाड़ी कर लो। आते हो और नहीं, थोड़ी ढेक बन जाएगी तो मैं 2 दिन रोटी के साथ भी खा बस, लूंगी। चकर 2 दिन तना गले अपने चाड़ियां दी फिक्र पैवंदी। यस, तो मैं रोटी टुकर के साथ ना, मुझे ये नहीं, चटनी इतनी मजे की लगती है। रोटी, सूखी रोटी के साथ बहुत मजे की लगती है। मैं कहती हूँ सारा अच्छा जी, इधर हमने फिश का जो है ना वो 1 दिन पहले मसाला लगा के रखा हुआ था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो 2 4 घंटे पहले भी आप इसका मसाला लगा के रख सकते हैं। इसमें मैदा डाला है, दही डाली है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक मिर्च है, और इसमें सोया सॉस डाला है, ठीक है जी, और कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, ज़ीरा डाला है, और ये सारे मसाले डाल के इसको मैरिनेट कर दिया था। अच्छा, ये है बोनलेस फिश, ठीक है जी। तो बड़ी ही मज़े की बन के जो है ना ये तैयार हुई थी। बस अभी इसको हम फ्राई करने लगे थे तो मैंने कहा इसका मैं क्लिप ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ। और ये बड़े मज़ेदार सी हमारी फ़िश बन के तैयार हो गई थी, ठीक है जी। आप इसको जो है वो ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा।
और अच्छा ये दूसरे दिन का फिर क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था छोटा सा। इस दिन हमने नियाज वगैरह बनवाई थी, बिरयानी बनवाई थी, ठीक है जी। तो बस मैंने छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है जी। छोटा सा मेरा व्लॉग है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।